माँ भारती के अमर सपूतों को मेरा सत सत बार नमन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज जिनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, उनके लिए मेरा यह ऐलान मेरी नैतिक जिम्मेदारी की ओर एक विनम्र कोशिश है कि अब से शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इकट्ठा किया गया सारा पैसा भारत के वीर फाउंडेशन की ओर जाएगा, जिससे कि माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर फौजी भाइयों की फैमिली को आर्थिक संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। आपके एक सब्सक्राइब से, कमेंट से, शेयर एंड लाइक से वीर गति को प्राप्त किसी फौजी भाई के परिवार की आर्थिक सहायता हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शील्ड डिफेंस एकेडमी। मैं हूं आपका जीके का मेंटर नूरुस्सलाम, और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक वाइज ही हम करंट अफेयर करेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। कोई लंबी 5 या 6 दिन में करंट अफेयर पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अंटिल एंडलेस कोई ऐसी करंट अफेयर ना आए। तो हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो भी सितंबर मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम आपको डेली डेली बताते रहेंगे, एक एक दो के फॉर्म में, ताकि आप आसानी से उसे कंपाइल कर सकें, पाइल अप कर सकें, एक जगह जमा कर सकें, इसके नोट्स बना सकें। एक साथ जब आपको बहुत ज़्यादा मिलता है तो आप परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए हम धीरे धीरे करके छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे। और हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, इस पर भी हमको थोड़ा और मोटिवेशन मिले। तो चलिए, आज की जो मेन करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करते हैं आपके साथ, ठीक है। मीजू रिपोर्ट मतलब ये एक रिपोर्ट आई है 2022 की, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इस पर करंट अफेयर्स लगातार बनती रहती है ना। अब ये मीजू रिपोर्ट जो है, इसमें मी का मतलब क्या, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, है ना। मीजू रिपोर्ट जो है उसको किसने जारी किया, ये एक क्वेश्चन आपके पास सीधे सीधे बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MoEFCC ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, ठीक है। और मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन, ये इसका फुल फॉर्म है मी का, ठीक है। तो कौन सा जू इस मामले में सबसे आगे है, इस रिपोर्ट के अंदर कई सारे जूज को अवार्ड दिया गया है ना, और ये पूरे इंडिया के जितने भी जू हैं उन पर एक सर्वे किया गया। तो अब देखो, यहाँ पर एक फन फैक्ट ये आएगा कि पहली चीज़ तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन की मीजू रिपोर्ट किसने जारी की, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन UPSC अक्सर पूछता है। साथ ही साथ इंडिया में कितने जू हैं, 147 जू रिकॉग्नाइज किए गए, इसमें 17 आपके लार्ज हैं मतलब बड़े बड़े हैं, मीडियम साइज़ के 23 हैं, स्मॉल 33 हैं, मिनी जू 60 हैं, और रेस्क्यू सेंटर्स 14 हैं। तो इन सब को इस कैटेगरी में रखा गया और इसका एक इवेल्यूएशन किया गया कि इसकी रिपोर्ट निकाली गई, और इसके हिसाब से इनको अलग अलग अवार्ड या अलग अलग तरीके से इनको नॉमिनेट किया गया। इसमें अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया जू जो है, टॉप परफॉर्मर ऑफ लार्ज जू कैटेगरी, लार्ज जू कैटेगरी में टॉप परफॉर्मर कौन रहा, वंदलूर जो है वो तमिलनाडु में है। तो देखो, अब सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि वंदलूर जू कहाँ पर है, ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन आएगा लेकिन करंट अफेयर से जोड़कर। तो ये वंदलूर जू कहाँ पर मिलेगा आपको, तमिलनाडु में। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है वो ये है कि भाई मीजू रिपोर्ट के हिसाब से टॉप परफॉर्मर ऑफ लार्ज जू कैटेगरी में किसने इस अवार्ड को जीता, या इस कैटेगरी में नंबर वन कौन था, तो वंदलूर जू। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मर ऑफ मीडियम जू कैटेगरी, तो वेस्ट बंगाल का पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क है ना। अब ये जो जूलॉजिकल पार्क है, देखो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क है, और कभी कभी पूछता है पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो सीधा सा आंसर है वेस्ट बंगाल। इस तरह के अगर जू आपसे पूछे जाएंगे तो बच्चा एकदम कंफ्यूज होता है, इतना लंबा इतना सीधा सीधा फैक्ट क्यों पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि वो करंट से रिलेट कर रहा है। फिर अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मर इन कंटेक्स्ट ऑफ एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए, तो अलीपुर जो है भारत का सबसे पुराना
बोल सकते हैं चिड़ियाघर है। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जो जू है वो आपका अलीपुर है ना, वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको कोलकाता में मिलेगा, वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ नवाब वाजिद अली शाह वाला जो चिड़ियाघर है ये आपका लखनऊ में है, ये मीडियम कैटेगरी में आता है और ये भी इस अवार्ड में आया है, किसमें, टॉप परफॉर्मिंग इन कॉन्टेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग के फॉर्म में, तो प्लानिंग का टॉप परफॉर्मर वापस वंदलूर जू रहा, तो वंदलूर ने कई सारे इसमें कैटेगरीज में नॉमिनेट हुआ है, इसे याद रखिएगा, एक ऊपर ये, दूसरा ये, अभी एक और आएगा। तो इस तरह से इसको कई बार नॉमिनेट किया गया है। टॉप परफॉर्मर इनपुट एलिमेंट में टॉप परफॉर्म वंदलूर फिर आ गया। इसके साथ साथ दूसरा जो इसके साथ शेयरिंग कर रहा था एक नंबर वन पोजिशन पर, वो था पद्मनजा नायडू, वापस ये वेस्ट बंगाल वाला आ गया। और तीसरा जू आपका मैसूर, ये तीनों इनपुट एलिमेंट के फॉर्म में टॉप परफॉर्मर हैं इनपुट पे, इसे ध्यान रखिएगा। इसी तरह से प्रोसेस एलिमेंट में टॉप परफॉर्मर कानपुर का जूलॉजिकल पार्क और मैसूर का था, है ना। और टॉप परफॉर्मेंस इन आउटपुट एलिमेंट, इसमें वंदलूर जू, पद्मनजा, जूलॉजिकल पार्क, ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे। साथ साथ टॉप परफॉर्मेंस इन आउटकम एलिमेंट, पद्मजा, नायडू, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे जूज, बहुत सारे इंडिया में 147 जू हैं, लेकिन इनमें तीन चार जू को हाईलाइट किया गया है। तो ये जू इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं कि भैया कौन सा कहाँ पर है। इसमें वंदलूर और पद्मनजा नायडू, ये दोनों जू आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, पद्मनजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल में है। और अगर हम बात करते हैं वंदलूर जू की, तो वंदलूर जू कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये कई बार क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, तो इसे याद रखिएगा। मी जू रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसे याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपका फैक्ट्स हैं, बाकी तो टॉप परफॉर्मेंस में दो ही जू का नाम आ रहा है, तो यही दो जू आपको याद रखने हैं। देखिए, करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर का कुछ ना कुछ वेटेज रहता है। तो करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, इस पर पहले हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और इसकी किस तरीके से हम आपको इसका कंटेंट, इसका मटेरियल, या डेली जो करंट अफेयर बनेगा वो कैसे आप तक पहुंचेगा, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, करंट अफेयर क्या होता है, या तो आप डेली पढ़ते हैं, है ना, या तो आप वीकली पढ़ते हैं, या फिर आप 15 दिन का करंट अफेयर उठाते हो, है ना, ये आपका बेटर तरीका होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि हम सिक्स मंथ का पढ़ें, देखो वो उसमें बेटा सब कुछ कवर नहीं हो पाता है। तो हमेशा याद रखिए, करंट अफेयर या तो वीकली पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ने पर मेहनत ज़्यादा लगती है और आपको डेली अच्छी करंट अफेयर नहीं मिलती है। तो वीकली पढ़ना या 15 डेज में पढ़ना बहुत बेटर होता है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस सीरीज़ को, इस पैटर्न को शुरू किया है कि हम आपको करंट अफेयर देते रहेंगे। डेली आपको कुछ ना कुछ एक या दो टॉपिक के बारे में बताएंगे उसी महीने। जैसे अभी ये सितंबर का मंथ चल रहा है, तो सितंबर के मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट बड़ी खबरें होंगी वो आपको पूरा बताया जाएगा। बाद में तो हम इसकी लास्ट में रिवीजन वगैरह सब कराएंगे, लेकिन जो रेगुलर करंट अफेयर चलेंगी उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, टाइम वेस्ट करे बगैर सितंबर की बड़ी न्यूज़ के ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सितंबर में जो बड़ी न्यूज़ हुई है, उसमें सबसे पहली जो बड़ी न्यूज़ है वो है SCO की मीटिंग, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, है ना। SCO एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, इसे ध्यान रखिएगा बच्चों। और इसकी जो मीटिंग हुई है, ये इस बार कहाँ पर हुई, ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि SCO की मीटिंग किस नंबर की थी, 22nd, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कि ये कहाँ पर हुई, समरकंद कहाँ पर पड़ता है, उज्बेकिस्तान में, है ना। और हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करने कौन गए थे, मोदी जी गए थे। तो SCO में दो तीन क्वेश्चन जो इसके करंट अफेयर से बनेंगे वो सीधे यही बनेंगे कि इस बार की मीटिंग कहाँ होगी। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्यों ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 22वीं मीटिंग तो हो गई भाई समरकंद में, ठीक है, लेकिन 23वीं कहाँ होनी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये पेपर में आपका क्वेश्चन बनाएगा। और मोदी जी इसमें गए थे, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, एससीओ की मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समरकंद में, काफी ज्यादा। वैसे तो इसमें मेंबर नेशंस 8 है, ईरान इसमें शामिल होना चाहता है, लेकिन बहुत सारे नेशन इसमें ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं। और शंघाई कोऑपरेशन एक तरीके से एक बहुत बड़ा ग्रुप बन के उभर रहा है, उसमें इंडिया का शामिल होना एक बहुत ही उसको बेनिफिट या बोल सकते हैं उसको फायदा पहुंचाने वाला एक निर्णय रहा। 2017 में इंडिया इसमें शामिल हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए, समरकंद में एक फैसला लिया गया कि भैया जो अगली बार जो मीटिंग होगी 23 नंबर की, है ना, उसकी प्रेसिडेंसी शंघाई कोऑपरेशन की कौन करेगा? इंडिया करेगा 2023। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगले साल एससीओ की मीटिंग कहाँ होनी है? भारत में होनी है, और भारत उसको लेकर चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ एक और एक नई चीज यहाँ पर ऐड हुई जो आपके इससे क्वेश्चन बना सकती है, ठीक है। क्या चीज ऐड हुई कि इस मीटिंग में जो इस साल हुई 22वीं मीटिंग जो थी, इसमें एक फैसला लिया गया कि एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल बनाया जाएगा। जहां पर भी मीटिंग होगी उसका कोई ना कोई शहर उस देश का एससीओ टूरिज्म और कैपिटल, कल्चर कैपिटल के फॉर्म में किया जाएगा। और इसमें पहला ऐसा शहर जो बना वो बना आपका वाराणसी, है ना। तो याद रखिएगा, बनारस वो पहला शहर बना जो एससीओ का, ठीक है, एससीओ का टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल के फॉर्म में जाना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसे ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखो, अगले साल ये अगले साल तक क्या होगा, अगले साल तक जितना भी एससीओ की बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी उसका मेन होस्टिंग एरिया आपका क्या होगा? बनारस होगा। वैसे तो एससीओ की अगले साल की मीटिंग इंडिया में दिल्ली में होनी, लेकिन जो और कल्चरल इवेंट्स होंगे उसमें बनारस ही लीड करेगा, है ना, याद रखिएगा। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा द रेगुलेशन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ एससीओ टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल अडॉप्टेड इन दुशांबे, है ना, 2021 में इन सब चीजों पे बात हुई थी। 2021 में बोला गया था कि इस तरह की कोई चीज की जाएगी, और 22 में इसको एडॉप्ट कर लिया गया। आइडिया 19 में आया था, आइडिया कब आया था? 19 में आया था। और इट विल प्रमोट टूरिज्म कल्चर एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड अदर एससीओ स्टेट्स। अंडर दिस फ्रेमवर्क वेरियस इवेंट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन बनारस या वाराणसी इन 2022 to 2023। तो ये चीज याद रखिएगा कि 2022 से 23 के बीच में बनारस में एससीओ के बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको ध्यान रखिएगा। इससे आपका यूपीएससी कई तरीके की करंट अफेयर बना सकता है, स्टेटमेंट वाली भी बना सकता है, डायरेक्ट वाली बना सकता है, याद रखिएगा, है ना। समरकंद डिक्लेरेशन में ये बात आई, समरकंद डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू एससीओ, पहला चीज। दूसरी चीज, समरकंद डिक्लेरेशन में किस शहर को टूरिज्म सिटी बनाया गया? बनारस को बनाया गया, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसके करंट अफेयर की। देखिए, करंट अफेयर तो आपने समझ लिया, अब स्टैटिक फॉर्म, इसकी जीके जो स्टैटिक फॉर्म में रहती है उससे भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है, और उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको समझते हैं, ठीक है। शंघाई कोऑपरेशन की हिस्ट्री, एससीओ का जो एग्जिस्टेंस है 2001 का, ठीक है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी अलायंस है। ये किस तरह का अलायंस है? पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी अलायंस है, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। 2001 में ये स्टैब्लिश हुआ था, कभी कभार पूछा जाता है। इसमें कुल मिलाकर 8 मेंबर हैं, है ना। इनिशियली देखा जाए तो 5 थे, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए, अभी ईरान भी इसमें शामिल होने की बात कर रहा है, है ना। और इस बार तक उसको अप्रूवल मिल गया है, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल तक वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, दीज आर द 8 नेशंस, है ना। और इंडिया इसमें कब शामिल हुए पूछा जा सकता है? इंडिया इसमें शामिल हुआ 2017 में, इसे याद रखिएगा, 2017 में इंडिया इसमें शामिल हुआ। इसको ध्यान रखने की जरूरत है, आप अगर इसे ध्यान रखेंगे तो आसान रहेगा। फिर ये हैं 8 मेंबर जो इसके हैं, और अगर कोई 9th मेंबर की प्रोसेसिंग चल रही है वो कौन सा 9th मेंबर बनेगा? ईरान, है ना। अगर 9th मेंबर की बात चल रही है कि कोई नवा मेंबर भी इसमें शामिल हो सकता है तो हाँ, ईरान होगा। अभी ईरान पर चर्चा चल रही है, पिछले 2 साल से इस पर वार्तालाप बातें डिसीजन लिए जा रहे हैं, और ईरान ऑब्जर्वर तो है ही, बहुत जल्दी इसका मेंबर कंट्री भी बन जाएगा।
तो देखिए SCO शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला इस साल कहाँ हुआ, अगला अगले साल कहाँ होगा, उसके बाद इसमें टूरिज्म कैपिटल किसे बनाया गया, ठीक है, समरकंद डिक्लेरेशन कौन किससे रिलेट करता है, इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम क्लियर रहे तो एक टॉपिक को उठाकर हम इसी तरह से तोड़कर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो भी करंट अफेयर बन सकता है आपके पेपर से रिलेटेड, है ना, उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ उसका स्टैटिक पार्ट भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो स्टैटिक पार्ट ये है कि भैया SCO के बारे में, इंडिया SCO में कब शामिल हुआ, 2017 में, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी हुआ। SCO एक्चुअली में कब बना, 2001 में बना। इसमें कुल कितने मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं। तो ये छोटी छोटी बातें अगर बेटा आपको क्लियर होंगी तो आप बहुत आसानी से अपने एग्जाम में इससे रिलेटेड, चाहे इजी हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे डिफिकल्ट हो, हर तरह का क्वेश्चन आप अटेंड कर दो। तो ये तो एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया, है ना, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है, और इसी तरह के और टॉपिक भी हम लेके आएंगे। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू सो मच, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस लगातार मिलते रहें। जय हिंद।